हेलो एवरीवन, अगर आप पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीजीटी और टीजीटी की, तो सबसे पहले आप काम करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो हिंदी में दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। और यहाँ पे सिलेबस को सबसे पहले आप क्या करें कि उसको पहले चेंज कर लें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया है। ये 3 पेज में मैंने लिखा है, एक साइड में टीजीटी का सिलेबस है और एक साइड में पीजीटी का सिलेबस मैंने लिख लिया है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे टॉपिक हैं जो कि कॉमन है पीजीटी और टीजीटी दोनों में, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो बेसिक जो अकाउंटिंग है वो, और कॉस्ट अकाउंट। आपका टीजीटी में कॉस्ट अकाउंट नहीं है, उसके जगह पे आपका रॉयल्टी, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जो 3 ऐड हुए हैं वो हैं। बाकी कंपनी अकाउंट और बेसिक जो पार्टनरशिप है वो आपको तो टीजीटी में भी पढ़ना है और पीजीटी में भी पढ़ना है। हाँ, टीजीटी में अकाउंट्स में आपको ये जो 3 मैंने बताए हैं, रॉयल्टी, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट, ये टीजीटी में आपको पढ़ना है, और पीजीटी में ये नहीं पढ़ना है। इसके जगह पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, क्योंकि पीजीटी में जो सिलेबस है अकाउंट्स है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और वहीं पे अगर टीजीटी के अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, एक ही में सब कुछ दिया गया है, जिसमें आपका पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट और जो मैंने अभी 3 ग्रेजुएशन के जो चैप्टर बोले, रॉयल्टी, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट, बाकी सब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ तो बेसिक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि पीजीटी में नहीं है, स्टैटिस्टिक्स पीजीटी में भी दिया है, स्टैटिस्टिकल मेथड दिया है, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, एट्रीब्यूट्स, कोफिशियंट हो गए, इंडेक्स नंबर हो गया, टाइम सीरीज हो गया, बिजनेस फॉरकास्टिंग हो गया, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉमिनल, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी है आपका, इंडियन स्टैटिस्टिक्स है जो इंडियन आपके इंडियन इकोनॉमी में जो आपको मिलता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर डाटा एंड इंडस्ट्रियल डाटा विथ स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलेशन भी दिया गया है, फिर इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये आपके पीजीटी के सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का है। लेकिन अगर वहीं पे देखें तो जो टीजीटी का स्टैटिस्टिक्स है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिकल मीन के बारे में दिया गया है, हाउ टू कलेक्ट डेटा दिया गया है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो मेथड है वो दिए गए हैं, फिर क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बारे में दिया गया है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल एवरेज और डिस्पर्सन की बात की गई है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत ही कम दिया गया है टीजीटी में। फिर ऑडिटिंग, एक पीजीटी में ऑडिटिंग नहीं है, बट टीजीटी में ऑडिटिंग यहाँ पे दिया गया है। फिर पीजीटी में अगर आप देख लें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, वहीं पे आपका अगर टीजीटी को अगर देखें तो वहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। तो कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन हैं यहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टीजीटी में अलग अलग हो गया है, और यहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पीजीटी में अलग अलग है, जिसमें आपका टेलर का, फ्यूल का और एल्टन मियो का जो थी कंसेप्ट है वो दिया गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो दोनों में है, पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है। फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्कोप दिए गए हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में पूछा गया है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछे गए हैं, ये पीजीटी के हैं। वहीं पे अगर टीजीटी की बात करें तो फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफिस के बारे में पूछा गया है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में पूछा गया है, प्लस सिलेबस दिया गया है, फिर डोमेस्टिक बिजनेस एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में भी है, और उसके बाद अगर आप देखें तो पीजीटी में लास्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने बता ही दिया है, टीजीटी में इकोनॉमिक्स, यस आप अगर देखेंगे तो पीजीटी में शायद इकोनॉमिक्स नहीं है, पीजीटी में इकोनॉमिक्स नहीं है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, नहीं है। पीजीटी में भी इकोनॉमिक्स दिया गया है, एडवांस इकोनॉमिक्स इसमें दिया गया है, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन, पॉपुलेशन थ्योरी, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ट्रेड बिजनेस साइकिल, ये सब है। बट जो टीजीटी का जो है उसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया है, टाइप्स ऑफ मार्केट और हाउ टू डिटरमाइन प्राइस इन द डिफरेंट मार्केट कंडीशन वो भी है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर टीजीटी में आपका मनी बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया गया है। तो काफ़ी
कम ही पेज में दिया गया है, लेकिन सिलेबस काफ़ी डिटेल में दिया गया है इसमें। इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद आपके BST और अकाउंट्स, तीनों पार्ट आ जाते हैं जो 11th 12th में पढ़ाए जाते हैं। KVS में ऐसा नहीं था। KVS में अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हैं तो कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स और BST की बात होती है। इकोनॉमिक्स के लिए अलग बैकग्राउंड, अलग टीचर ही होते हैं जो BA इकोनॉमिक्स से हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे ये तीनों इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो सिलेबस काफ़ी हार्ड नहीं है और काफ़ी ईजी भी नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको पढ़ा जाए तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है और आप अपना बेस्ट दे सकते हैं।